कैरेक्टर होंगे, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, घर में तमाम रिश्ते नाते होंगे, उन सबको भी आपकी मजबूती का लाभ मिलेगा। आप मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा तो आपका समाज मजबूत होगा, और आपका समाज मजबूत होगा तभी आपका देश मजबूत होगा। इस मजबूती के साथ आप आगे बढ़िए, ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक मतदाता के रूप में जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर ऐसे व्यक्तित्व का चयन करें जिनके हाथों में समाज सुरक्षित हो, जिनके हाथों में देश सुरक्षित हो, हमारा समाज फिर से मान्यता के गर्त में नहीं जाना चाहिए। बगल में प्रयागराज में एक माफिया का अंत अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो आतंक का पर्याय हुआ करता था प्रयागराज की धरती पर, और जिस तरीके से दोनों भाइयों का अंत हुआ, एक संदेश क्या बुराई का अंत, एक प्रतीकात्मक एक ऐसा पुरस्कार सरकार की तरफ से है। अगर आप कहें एक मोबाइल के अंदर क्या सफाई होता है, हम मतलब की चीज खोजे हमें मोबाइल का बहुत कुछ मिलेगा, उस मोबाइल का उपयोग करें तो बड़े सफाई हो जाएगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज इस मोबाइल से सफाई होगी। मैं देखता हूं 12-12 एक एक दो दो तीन तीन बजे रात तक नौजवान अगर जिम्मेदारियों में बहुत सर पे आ जाता है तो वो सोचना शुरू करता है कि अब क्या करें। यही उम्र है 18 साल, जब बाली होता है कोई युवा तो बच्चों अपने कैरियर को ही बनाता है। निकलेगा जो कार की पीछे की सीट पर बैठेगा, और इसे हल करने से एक शख्स ऐसा निकलेगा जो कार खाएगा, इसे हल करने से एक शख्स ऐसा निकलेगा जो गाड़ी की ड्राइविंग करेगा, और इसी हाल से एक शख्स ऐसा निकलेगा जो गाड़ी धुल के पोछे तैयार करेगा। किसकी किस्मत क्या लिखा है मौत तुम्हारी है। अभी जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, हो सकता है आपके माता पिता ने आपके लिए खेत बाड़ी घर मकान रुपया पैसे व्यवस्था कर रखा हो, मगर पहाड़ को भी मैंने खत होते लिखा है आपके कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आप स्वयं में मजबूत नहीं है। आपकी सारी विरासत रखी रह जाएगी। ताजमहल खड़ा है, लाल किला खड़ा है, तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग खड़ी है, अगर उनके वंशजों का पता नहीं है और कहीं तो वंशज अगर मिलते भी है तो कोई चाय पीते मिल रहा है, कोई हिस्सा चलाते मिल रहा है, कोई मजदूरी करते मिल रहा है। बच्चों में फिर आपको कह रहा हूं समझ देना, मुझे 10 बार कह रहा हूं शांत हो जाओ, बहुत बड़ा एहसान आपने कर दिया, शांत हो गए, मगर पता नहीं ये बात आपके माता पिता ने घर में बैठ के कभी आपको समझाई है कि नहीं समझाई, पता नहीं ये मां बाप की माथे पर चिंता की लकीरें रहती थी और जन्म लेते ही उनके हाथ कीड़े करने की चिंता करता था, धन छिंत्र का काम करता था। आज मैं कहता हूं कोई धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, बेटियों को स्वावलंबी बनाओ, बेटियों को अपने पैर पर खड़ा करो, वही बेटियां खड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनेंगी और स्वयं दुर्गा को धारण करके कहे चुपी महिषा सुर का मर्दन करेंगी, ये बेटियां किसी पे बोझ नहीं है। मैं आपको 2 घंटा बताता हूं, मूल की एक लड़की
उसका नाम था पूजा गुप्ता। अभी 3 साल पहले की बात है, उसके पापा की असमय मृत्यु हो गई और